हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सफर जायके का। मैं हूँ रुचि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुलाव की रेसिपी। वेजिटेबल पुलाव सबकी बहुत पसंदीदा डिश होती है और आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी इस तरीके से वेजिटेबल पुलाव बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप लिया है बासमती राइस। आप कोई से भी ब्रांड का बासमती राइस ले सकते हैं और उसे धोकर अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। और इसमें चावल से लगभग चार गुना मैंने यहाँ पर डाला है पानी। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी बूंदे डालेंगे घी की। मेल्टेड घी लीजिए और थोड़ी सी बूंदे उसकी इसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा, चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। यहाँ पर हम अब चावल को बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम वेजिटेबल फ्राई कर लेते हैं। वेजिटेबल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में डाला है दो चम्मच बटर और लगभग दो चम्मच ही मैंने डाला है ऑयल, यानी कि दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। यहाँ पर बटर को मेल्ट होने देंगे और जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 1/4 चम्मच जीरा, दो तेज पत्ते, कुछ दाने काली मिर्च के और लौंग के डालेंगे हम यहाँ पर और इसे हल्का फ्राई करेंगे। जब ये मसाले थोड़े फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, और इसे हम यहाँ पर दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद डाली है मैंने दो हरी मिर्च। ये देखिए, हरी मिर्च और प्याज हमारी फ्राई हो चुकी हैं और अब हम यहाँ पर डालेंगे अपनी पसंद की वेजिटेबल। आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक आलू कट करके, साथ में डाल रही हूँ यहाँ पर तीन से चार बीन्स कट करके डाल दी हैं और साथ में हम इसमें डालेंगे मटर, तो यहाँ पर मैं हरे मटर डाल रही हूँ। और जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप पत्ता गोभी और गोभी भी डाल सकते हैं। और मैंने डाला है गाजर। इन सारी सब्जियों को हम फ्राई करेंगे यहाँ पे दो से तीन मिनट के लिए। ये वेजिटेबल पुलाव बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है और आप कभी भी इसे बना सकते हैं। सब्जियाँ हमारी जल्दी पक जाए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ नमक ऐड कर देती हूँ, तो स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए, क्योंकि हमने अभी चावल में भी नमक डाला है तो वो ध्यान में रखते हुए आप डालिए। दो मिनट और इसे हम फ्राई कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि सब्जियां जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। इसे हम एक दो बार और हिला लेते हैं अच्छे से। और अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। मैंने पहले नहीं डाली थी क्योंकि वो बहुत जल्द पक जाती हैं, तो जो सब्जियां पकने में ज़्यादा टाइम लेती है उसे आप पहले डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है और यहाँ पर एक से दो मिनट उसे और पका लेते हैं ताकि शिमला मिर्च पक जाए। ढक देते हैं इसे हम और दो मिनट इसे भी पका लेंगे हम। ये देखिए, सब्जियां हमारी हो चुकी हैं और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। लगभग हाफ टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है पुलाव में। 1/4 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था गरम मसाला पाउडर, वो भी बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है पुलाव में। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए, हमारी जो वेजिटेबल है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ हमने चावल रखे थे वो भी देख लेते हैं, वो भी बनकर तैयार हो चुके होंगे। तो ये देखिए, हमारे चावल जो है वो भी अच्छे से पक चुके हैं और अब हम इनमें से पानी अलग कर देते हैं। और अब इन पकी हुई सब्जियों में हमने जो चावल अभी पानी अलग करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। तो थोड़े थोड़े चावल डालते हुए हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, चावल को इस तरीके से बनाने से और जो हमने घी डाला था उससे जो है चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला और एकदम अलग, बिल्कुल भी चावल एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं। चावल और वेजिटेबल को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अपने पुलाव को लगभग एक से दो मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। लिड हटाएंगे हम और चावल को यहाँ पर हम एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और एक बढ़िया सा फ्लेवर आए इसमें और टेस्ट
इसका जो है बढ़ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर अब ऐड करूँगी लगभग एक चम्मच, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। एक चम्मच के करीब जो है मैं यहाँ पर बटर डाल रही हूँ, इससे बहुत बढ़िया आता है इसका टेस्ट। और इसे मिक्स कर देते हैं हम अच्छे से, और जो बटर है उसको हम यहाँ पर मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर, एक से एक मिनट, लगभग एक मिनट आप इसे मिक्स करने में लगा दीजिए। और ये लीजिए, हमारा जो वेजिटेबल पुलाव है गर्मा गर्म, वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म मसाला दही के साथ सर्व कीजिए, मज़ा आ जाता है खाने का। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।